जय श्री राम, जय हनुमान जी। सभी भक्तों का डॉक्टर उमा श्री चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ श्री हनुमान चालीसा का महत्व। हनुमान चालीसा की बहुत अधिक महत्ता सभी जगह गाई गई है। हनुमान चालीसा का जो पाठ होता है उससे साधक शत्रु भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको ऊपर की हवा का डर भी नहीं रहता है। ऊपर की हवा मतलब भूत प्रेत का भय भी उनसे मतलब कांपने लगता है हनुमान जी की पूजा से। तो हनुमान जी की पूजा से ऊपरी हवा का भय नहीं रहता है। जो ऊपरी हवा से पीड़ित होता है अगर वो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करे या 101 बार या 100 बार ही भी पाठ कर ले तो उसको ज़िंदगी में कभी ऊपरी हवा का भय नहीं रहता है। हनुमान जी की पूजा में सिंदूर उनको चढ़ाया जाता है। शुद्ध चमेली का तेल लेकर पतला करें और उससे आप हनुमान जी की जो लेप है हनुमान जी के लेप के लिए पुजारी जी को दे दें लेप लगाने के लिए। इसको बोलते हैं चोला चढ़ाना। चोले में सिंदूर होता है, चमेली का तेल होता है और चांदी का वर्क होता है। इसको ग्रहण करने से हनुमान जी महाराज की कृपा आपको मिलती है। चोला आप मंगलवार को भी चढ़ा सकते हैं, शनिवार को भी आप चढ़ा सकते हैं। आपको शनिवार के दिन हनुमान जी को पान भी चढ़ाना चाहिए। स्पेशल पान हनुमान जी के निमित्त पनवाड़ी बनाते हैं शनिवार को। अक्सर आप उनसे रिक्वेस्ट करके ये बोल सकते हैं कि हमको हनुमान जी महाराज को पान चढ़ाना है, वो पान हमको बना कर दे दीजिए। ऐसे पान को ग्रहण करने से हनुमान जी भगवान बहुत खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। अगर आप किसी भी समस्या के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या हनुमान जी का पूजन करते हैं तो वो कामना आपको हनुमान जी को अवश्य निवेदित करनी चाहिए और फिर आपको पाठ प्रारंभ करना चाहिए। हनुमान जी की जो पूजा होती है, उपासना होती है, वो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। मंदिर में बैठ के भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना घर में ही आपको मिलेगा। तो हनुमान चालीसा के अलावा बजरंग बाण, हनुमान साठी का, हनुमानाष्टक या हनुमान बाहुक के पाठ से भी भगवान हनुमत की कृपा आपको मिलती है। आप मंगलवार का व्रत भी हनुमान जी के लिए कर सकते हैं। इससे आपका मंगल दोष भी समाप्त होता है अगर आप पुरुष हैं तो, और आपको शांति मिलती है। आपकी ज़िंदगी के झगड़े फसाद कम होने लगते हैं और हनुमान जी भगवान के प्रभाव से आपको शक्ति का अनुभव होने लगता है। जो मनुष्य हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करता है उसको हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होती है। अगर आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष कामना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो संकल्प भी आपको हनुमान जी को बताना चाहिए कि किस निमित्त आप पाठ कर रहे हैं। इससे हनुमान जी भगवान खुश होकर आपको साधना में सफलता का आशीर्वाद देते हैं। आप मानसिक रूप से भी हनुमान जी की स्मरण कर सकते हैं, इससे भी आपको बराबर लाभ होगा। आप मानसिक रूप से अगर हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो प्रभु को प्रणाम करके उठ जाएं और उसके पश्चात आप मंगलवार या शनिवार को जब पाठ करें तब दिन में एक ही बार भोजन करें और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो मनुष्य रेगुलरली हनुमान जी का पाठ करता है उसके झगड़े फसाद में कमी आती है, उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है, उसका जो शत्रु होते हैं खुद ही मिट जाते हैं, खुद ही उससे दूर हो जाते हैं, उसका कोई भी काम नहीं रुकता। और कलयुग में तो हनुमान चालीसा की उपासना से बढ़कर कोई भी फल नहीं है। हनुमान जी की उपासना स्वयं सिद्ध है क्योंकि कलयुग में हनुमान जी का अस्तित्व आज भी माना जाता है। इसीलिए हम हनुमान जन्मोत्सव बोलते हैं, हनुमान जो जयंती नहीं बोलते हैं, आपने देखा होगा। तो हनुमान जी सब कुछ देते हैं अगर आप श्री राम की भक्ति करते हैं, क्योंकि वो खुद श्री राम की भक्ति में तल्लीन होते हैं। और वो जो मनुष्य श्री राम को ध्याता है, उनका राम रक्षा स्त्रोत पड़ता है, उससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको मनमानी किस्मत जगाने में मदद करते हैं।
हनुमान जी की भक्ति में कामुक विचार मन में नहीं आने चाहिए। शुद्ध सात्विक भाव से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्धता मानसिक और शारीरिक रूप से अपेक्षित होती है हनुमान जी की भक्ति में, और इस दौरान आपको कभी भी अश्लील वार्तालाप नहीं करने चाहिए। शराब मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इससे हनुमान जी की सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। ऐसी स्थिति बजरंग बाण के पाठ की है। जो लोग आपकी समृद्धि से ईर्ष्या करते हैं, आपकी प्रगति को देखकर आपके शत्रु हो जाते हैं, आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ऐसी स्थिति में बजरंग बाण का पाठ करने से आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिलती है और आप आज़ादी का अनुभव करते हैं और तरक्की का अनुभव करते हैं। बजरंग बाण का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि जो भी आपसे हेट करता है या आपका अहित करने की कामना करता है वो आपका अहित नहीं कर पाता, आपका शत्रु भी आपका मित्र बन जाता है, ऐसा प्रभाव होता है बजरंग बाण का। अब आइए हनुमान साठिका के बारे में आपको बताते हैं। हनुमान साठिका की उपासना से घर समृद्धि से और सुखों से भर जाता है। किसी भी समस्या जो आपके पीछे पड़ी है वो समस्या स्वतः ही मिट जाती है। हनुमान साठिका बहुत पवित्र ग्रंथ है और इसके बारे में कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति चारों तरफ से मुसीबत में घिर जाए, उससे निपटने का कोई रास्ता न दिखाई दे, तो हनुमान साठिका का पाठ करने से उसकी सारी मुसीबतें और विपत्तियां दूर होने लगती हैं, उसके काम संवरने लगते हैं, उसके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होने लगती है। ये बहुत ही उत्तम जो उनका पाठ है जिसको हर किसी को करना चाहिए। आपके घर में राम दरबार का तस्वीर या चित्र भी होना चाहिए जिसकी आप विधिवत पूजा कर सकें, और उसमें हनुमान जी महाराज का चित्र भी होना चाहिए। हनुमान जी को तिलक करें, श्री राम जी को तो पूर्व में तिलक करेंगे ही और गणेश जी की उपासना तो आप करेंगे ही। इसके पश्चात शुद्ध घी का दीपक, चंदन की अगरबत्ती और गूगल सहित गुड़ चने का जो भोग होता है और बेसन के लड्डू हनुमान जी महाराज को अर्पित करें, इससे वो प्रसन्न होते हैं। एक कपड़े में आप 90 ग्राम मसूर की दाल, थोड़ा सा गुड़, तांबे का बर्तन, सिक्का, चमेली का तेल, लाल चंदन और दक्षिणा रखकर मंगलवार को दान कर सकते हैं। समस्त सामग्री आपको मंगलवार को ही रखनी है और इससे हनुमान जी भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है और हनुमान जी की प्रसन्नता आपको मिलती है। तो हनुमान जी के अनेक उपाय हैं, लेकिन हनुमान जी के उपाय इतने सरल हैं कि हर कोई कर सकता है। जो हनुमान जी का पहाड़ उठाए हुए चित्र है जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, ऐसी मूर्ति अगर आप अपने पीठ के पीछे रखते हैं, मतलब आपको आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में हनुमान जी की तस्वीर होती है, पहाड़ उठाए हुए हनुमान जी, आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। अगर आप कभी भी अकेलापन महसूस करते हैं तो ये तस्वीर आपके सहायक होगी और आपको हर संभव मदद देगी। आपका जो मुख्य द्वार है दक्षिण दिशा में है, तो आपको पंचमुखी हनुमान जी का चित्र उस तरफ लगाना चाहिए। इससे आपको वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है और पंचमुखी हनुमान जी का चित्र हर वक्त आपकी रक्षा करता है। राम दरबार के साथ में हनुमान जी का चित्र जिस घर में होता है उस घर की सदैव उन्नति होती है, उस घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती, उस घर में पैसा ही पैसा और सुख शांति अपार मात्रा में विद्यमान होती है। तो ये आज हमने आपको बताए मंगलवार के उपाय, ये इनको आप अभी ज़रूर कीजिएगा। और मंगलवार को लाल गाय की सेवा से भी आपको फ़ायदा मिलता है। लाल गाय को केला खिलाएं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। बंदरों को भी आप केला खिलाते हैं या चने खिलाते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। खुद मंगलवार को चने नहीं खाने चाहिए, लेकिन बंदर को या लाल गाय को आप कुछ भी चीज़ खिलाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आज का वीडियो ऐसा ही था, आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। आप मुझसे नवरात्रि ऑफ़र का लाभ लीजिए। नवरात्रि ऑफ़र के रूप में मैं 50% डिस्काउंट वर्तमान में दे रही हूँ, तो मेरे से संपर्क करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है जिसके थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक छोटी सी सलाह आपको खुशहाली और बरकत दे सकती है। आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे चैनल डॉक्टर उमाश्री को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, बैल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए। मैं इसी तरह की जानकारी आपको देती हूँ जो ज्योतिष संबंधी होती है और आपको काफ़ी पसंद आती है। थैंक यू सो मच।